नमस्कार, मैं हूं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं झालावाड़ और मंदसौर जिले की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सफाई भर्ती 2023-24 में अन्य समाज की भर्ती के विरोध में एवं वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य समाज के भर्ती की सफाई कर्मचारियों द्वारा वास्तविक कार्य नहीं किए जाने के संबंध में वाल्मीकि समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम SDM छत्रपाल चौधरी को ज्ञापन दिया। जमादार सुरेश मिरोलिया, कैलाश खरे, अनिल राणवा के नेतृत्व में समस्त वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी द्वारा ज्ञापन बताया गया कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अंतिम दौर में पूरे राजस्थान प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को की भर्ती 2023-24 की विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए मात्र 11-12% आरक्षण रखा गया था, जिसमें अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज के अलावा करीबन 35 अन्य समाज के लोग आते हैं, जबकि करीबन 88% में अन्य समाज जिनमें OBC व स्वर्ण समाज के लोग आते हैं। सफाई कर्मचारी में अन्य समाज के लोग भर्ती हो जाते हैं, परंतु वह मूल कार्य नाली सड़क सफाई का कार्य न करके जेक जरिए से किसी भी ऑफिस में पानी पिलाने आदि या किसी अफसर के घर या ऑफिस में निजी कार्य के लिए लग जाते हैं, जिससे मूल सफाई का कार्य प्रभावित होते हुए हैं और फिर बदनामी भी जिम्मेदार महकमों एवं सरकार की होती है। कितने कर्मचारी भर्ती करने के बावजूद भी सफाई नहीं हो पा रही है, आगे ज्ञापन में मांग की गई कि है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया का प्रदेश वाल्मीकि समाज द्वारा पूरे राजस्थान प्रदेश में विरोध किया गया जाकर सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए और उसी को लेकर भवानी मंडी नगर पालिका के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी भी विरोध स्वरूप 26 जुलाई 2024 से अनिश्चितकाल अवकाश पर जा रहे हैं। मांग करते हुए 2023-24 की सफाई कर्मचारी की जारी विज्ञप्ति में संशोधन करते हुए संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया में केवल वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को लिए जाने के मांग की गई। जमादार सुरेश मिलोलिया, कैलाश खरे, अनिल राणावा के नेतृत्व में ज्ञापन देते वक्त समस्त वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सूरज जी, आज सभी सफाई कर्मचारियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है, एक तो भर्ती को लेकर ज्ञापन दिया और किन किन चीजों को लेकर बात करी SDM साहब से? हमने आधार कार्ड के जो भर्ती लगी है 2015-2018 में वो आज तक सफाई नहीं कर रहे, सब अलग अलग अपने जेक जरिए लगा के कहीं कहाँ कौन कहाँ बेटा कौन कहाँ बैठा है, सफाई नहीं कर रहा है जी। इसके लिए हमने SDM साहब को भी ज्ञापन दिया है, EO साहब को भी ज्ञापन दिया है कि इसमें भर्ती में 100% हरिजन वाल्मीकि समाज के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाए जी। अन्य काम दूसरे भी करने की शिकायत करी है आपने कि हमारे सफाई के नाम से जो वर्कर काम कर रहे हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी कर रहे हैं काम। अदर कास्ट वाले लोग यही तो कर रहे हैं, अदर कास्ट वाले जो भर्ती हुए सफाई कर्मचारी के वो सब अन्य कामों में लगे हुए हैं। क्या आश्वासन मिला फिर अभी आज? अब SDM साहब ने मीटिंग बुलाने की बात है, मीटिंग लेके अपन वार्ता करेंगे। केला जी, के जिस तरह से आज ज्ञापन दिया है और अभी कुछ सामने चीज़ें भी आई है कि जो सफाई कर्मी के नाम से जो योजना में लग रहे हैं वो दूसरी आय योजना में काम कर रहे हैं, चाहे वो लाइट डिपार्ट हो चाहे वो गायों का मामला हो, और वो जो ठेकेदार उसका पेमेंट भी ऐसे उठ रहा है ये भी जानकारी में आया, आखिर क्या मामला है पूरा? नहीं, अभी इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, पेमेंट उठा के नहीं उठ रहा, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि यहाँ के जो 2024 की जो भर्ती निकली है जी उसमें 100% वाल्मीकि कर्मचारी ही काम करेंगे, अन्यथा ये हम आगे तक ले जाएंगे इस चीज़ को, अनिश्चितकालीन के लिए ये हड़ताल रहेगी, इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अदर कास्ट के लोग काम लग तो जाते हैं लेकिन ये अपना जेक जरिया लगा के कोई काम करता नहीं है जी। तो यही कहने का मतलब है कि और जगह लग जाते हैं मतलब। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि वाल्मीकि समाज का ही आदमी काम करे, भले वो मशरोल के जरिए करे या राज्य सरकार की भर्ती के जरिए करेगा, लेकिन वाल्मीकि समाज का ही कर्मचारी काम करे। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी मुख्यमंत्री जी के नाम जो ज्ञापन दिया गया तो SDM साहब ने बताया कि हम आपकी मांग को मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएंगे। राज्य स्तर से भी इसकी कमेटी बनी है, उसको लेकर भी उनसे बातचीत करी है आपने कि इस तरह का कब तक हमारा जो है वो इसका बहाल होगा, क्योंकि इस तरह की भर्ती को लेकर इस तरीके की अभी कोई बात नहीं हुई है। वो जब राज्य स्तर पे सारे नगर निगमों में नगर पालिकाओं में सब अपने अपने स्तर पे सारे कर्मचारी साथ है राज्य स्तर पे। ठीक है। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को RWSSC में परिवर्तित करने के विरोध में PhD संयुक्त संघर्ष समिति ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया। अपन में बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 190 IT द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समस्त कार्यों कार्मिकों एवं पेयजल योजनाओं सहित RWSSC में
हस्तांतरित करने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। राज्य सरकार के द्वारा किए गए इस निर्णय के विरोध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा अब संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। हमारा जो लंबे समय से पब्लिक की सेवा कर रहा है और एक जो पेयजल एक बहुत ही निजी जरूरी की आवश्यकता है, जिसको सरकार प्राइवेटलाइजेशन करके जल शुल्क भार बढ़ा करके पब्लिक पे थोपना चाहते हैं और जो सिस्टम है उसको निजीकरण करके निजी हाथों में थोपना चाहते हैं, इसके विरोध में आज हमारे पूरे जिले के कर्मचारी और अधिकारी एक साथ एकजुट इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो RWSHC को जो हमारा विभाग स्थानांतरित करने जा रहे हैं वो निजीकरण गलत है, इस निजीकरण को वापस लें और विभाग को विभाग की तरह से काम करने दें। धन्यवाद। झालावाड़ में कालीसीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ में तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बाउंड प्रमोशन की मांग को लेकर तथा ग्रेड पे 3600 की सीटें स्वीकृत करने की मांग को लेकर आज सभी तकनीकी कर्मचारी संगठनों के सानिध्य में 13वें दिन भी एक घंटे का प्रदर्शन जारी रहा। गौरतलब है कि तकनीकी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की जयपुर वार्ता के दौरान के बाद निगम प्रशासन द्वारा एक महीने का समय लिया गया, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है कि जल्द से जल्दी जयपुर विद्युत वितरण निगम की तर्ज पर टाइम बाउंड प्रमोशन का लाभ नियुक्ति दिनांक पर ही दिया जावे तथा कालीसीन थर्मल में 3600 ग्रेड पे की सीटें स्वीकृत करवाने को लेकर तकनीकी कर्मचारी लगातार एक घंटे का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज प्रदर्शन कर्मियों ने भजनलाल सीताराम, ओम प्रकाश गोस्वामी, रामेश्वर गुजर, भैरूराम सैनी, लोकेश कुमार मालव, शान मोहम्मद, नरेंद्र कीचड़, रामराज अहिर, योगेश कुमार, अनुराग चौधरी, लोकेश मीणा, प्रशांत शर्मा, कैलाश मीणा, सीमा शर्मा, उदयलाल बेरवा, महावीर कुमावत, जयप्रकाश, प्रदीप यादव, ब्रजेश बेरवा, रमेश सैनी, गिरिराज, सुरेश अवस्थी, सुखदेव राज, रामस्वरूप महावर, गजेंद्र मीणा, रविशंकर, प्रदीप यादव सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। राष्ट्रीय किसान संघ संगठन जिला झालावाड़ द्वारा स्वास्थ्य एवं सरकारी अस्पताल मंत्री राजस्थान सरकार के नाम झालावाड़ जिले के सरकारी PSC CSC उप स्वास्थ्य केंद्र आयुर्वेदिक सहित 8 घंटे चलने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। वर्तमान समय में जिले के अस्पतालों की दशा हालत बताते हुए स्वास्थ्य विभाग जयपुर से किसान संगठन जिला झालावाड़ परिवार द्वारा जिले में गरीबों के इलाज व गरीबों को फ्री में गोली दवाई इंजेक्शन प्राप्त करवाने के लिए अस्पतालों का टाइम टेबल प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक व सायंकाल 4 बजे से 8 बजे तक किए जाने एवं झालावाड़ जिले में अधिक गरीब जनों को इलाज करने के लिए पूर्ण राहत प्रदान किए जाने की मांग की गई। उनेल कस्बे में गुरुवार को दोपहर 3 बजे बाद आकाश में काली घटाई छाई, कुछ देर बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया जो 1 घंटे तक चला। इस दौरान सड़कों पर पानी बह निकला, लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। इस दौरान कस्बे में नागेश्वर जैन मंदिर के पास स्थित हिंकार गुरु शिखर मंदिर के शिखर पर बिजली गिरी, जिससे शिखर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, नीचे गिर गया। नीचे मंदिर में काम कर रही महिलाएं, बाल बाल बच्चे गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। अब शुरुआत करते हैं मंदसौर जिले की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मंदसौर नगर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रमुख समाज सेवियों, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न समाज प्रमुखों के सहयोग से आज शहर में महाउज्जैनी मनाई गई। इस दौरान व्यापारियों ने पूर्ण रूप से अपना व्यवसाय बंद रखकर प्रार्थना रैली में शामिल हुए। शहर सहित अंचल में अच्छी बारिश की कामना के लिए आज शुक्रवार को शहर में महाउज्जैनी मनाई गई। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना रैली निकाली गई। सुबह 10 बजे विश्वपति शिवालय पर सभी नगरवासी एकत्रित हुए और यहां से प्रार्थना वाहन रैली प्रारंभ हुई। विश्वपति शिवालय में से प्रार्थना रैली पूज्य संत गणों, धर्मगुरु और धर्मचार्यों के सानिध्य में विश्वपति शिवालय पर संतों द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद सर्वधर्म प्रार्थना रैली गांधी चौराहे से प्रारंभ हुई, जो नेहरू बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, आजाद चौक, घंटाघर, शुक्ला चौक, गणपति चौक, बड़ा चौक, धान मंडी से वीर सावरकर ब्रिज होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर में संपन्न हुई। रास्ते में आने वाले सभी धर्मस्थलों पर रुककर पर्याप्त वर्षा के लिए प्रार्थना भी की गई। मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 26 चंद्रपुरा के रहवासियों ने पिछले दिनों शहर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर गधों के माध्यम से शहर के मुक्तिधाम स्थित शमशान घाट पर टोने टोटका करते हुए गधों के से हल चलवा कर जुताई की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को शहर सहित अंचल में जोरदार बारिश हुई, जिससे सभी चेहरे खिल उठे। अच्छी बारिश की मनोकामना पूर्ण होने पर चंद्रपुरा में रहवासियों द्वारा इनके द्वारा की गई क्रिया
की वजह से चार दिन में ही अच्छी बारिश हो गई, जिसके चलते खुशी मनाते हुए आज पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर चंद्रपुरा रोड पर गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए। आपको बता दें कि बारिश नहीं होने से पूर्व में इन्हीं गधों के माध्यम से शहर के मुक्तिधाम सहित शमशान में जुताई करके टोटका किया था, जिसके चलते उनके द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि उनके द्वारा की गई क्रिया से शहर में अच्छी बारिश हो गई है। सलवार जिले के थाना दलोदा द्वारा अज्ञात हत्या का किया पर्दाफाश, घटना में संलिप्त आरोपी को किया 24 घंटे में गिरफ्तार। एसपी अनुराग सुजानिया, पुलिस अधीक्षक मंसूर द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद थाना प्रभारी दलोदा बलदेव सिंह चौधरी व उनकी टीम द्वारा 24 घंटे में महिला की हत्या की में गुत्थी सुलझी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि पुलिस थाना दलोदा पर सूचना मिली थी, ग्राम आख्या से उमहेड़ा रोड पर एक महिला का शव मृत अवस्था में पड़ा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला की पहचान कर अनुसंधान के दौरान घटना के संबंध में बारीकी से पड़ताल की गई। इस दौरान पुलिस ने कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें खबर 24 न्यूज। नमस्कार। NCVT से मान्यता प्राप्त एडमिशन ओपन, 100% रोजगार की गारंटी, न्यूनतम प्रशिक्षण शुल्क शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति देई, 100% परीक्षा परिणाम के लिए साथ फ्रेश अग्निवीर भर्ती में ITI विद्यार्थी के लिए बोनस अंक, प्रथम वर्ष वालों के लिए 30 अंक, वहीं द्वितीय वर्ष वालों के लिए 40 अंक और डिप्लोमा होल्डर को 50 अंक बोनस के लिए दिए जाएंगे। ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, योग्यता 10वीं पास। हमारा मोबाइल नंबर है 9812-62-63-62-62-63-53-1696-83-05-62-63-62-83-02-03-08-33। हमारा पता है नाकोड़ा नगर, तहसील के पीछे, पचपाड़, भवानी मंडी। सरस्वती ज्ञान मंदिर राजकीय मान्यता प्राप्त, प्ले ग्रुप 2 8th क्लास प्रवेश प्रारंभ, बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं में 100% रिजल्ट, RD के अंतर्गत 25% निशुल्क प्रवेश। हमारा पता है श्रीराम कॉलोनी, नर्मदा ड्रिंकिंग वाटर के पास, भवानी मंडी। हमारे मोबाइल नंबर है 9880-212-74-70-142-74-328। निदेशक कमलेश यादव, प्रधानाचार्य राजेश आचार्य।
बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक चुके हो? क्या दवाया खाते खाते परेशान हो गए हो? आपके शहर रामगंज मंडी में डॉक्टर नवीन नागर जोड़ लखवा और नस रोग विशेषज्ञ प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की सेवाएं, जिसमें निम्न रोगों का इलाज, कुल्ले का दर्द, लखवा, एड़ी का दर्द, साइटिका, चेहरे का लखवा, गाठिया या रिंगच बाई, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट, कमर व जोड़ों का दर्द। पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शाहजी चौराहा, बाजार नंबर 1, रामगंज मंडी, राजस्थान, जिनका मोबाइल नंबर है 8209952939, 8233837704। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th सेशन 2024-25 Bethel Secondary School English Medium, Bhavani Mandi. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844-1812-898. ऋषभ गैस सर्विस सभी उपभोक्ताओं को जानकारी मुहैया करा रहा है कि भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं की ईकेवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में आपकी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। मेरी बात का ध्यान दें, अभी भी बहुत से कनेक्शन शेष है जिनकी ईकेवाईसी नहीं हुई है, वो तुरंत प्रभाव से अपनी ईकेवाईसी कंप्लीट करवाएं और गैस की सुविधा का लाभ लें। इसमें उज्ज्वला व नॉन उज्ज्वला दोनों गैस कनेक्शन धारियों की ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं हुई ईकेवाईसी तो नहीं जलेगा गैस का चूल्हा। हमारा मोबाइल नंबर है 7568060310, राजेश सोनी। हमारा मोबाइल नंबर 8058766999, सचिन जैन। 8003950705, नितेश राठौर। हमारा पता ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी पंचायत समिति के सामने, जिला झालावाड़। नमस्कार भारत गैस, मैं सुरेश कुमार जैन, ऋषभ गैस सर्विस प्रोपराइटर, सभी गैस उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ई केवाईसी
करवाना अनिवार्य है। अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका घर का चूल्हा हो सकता नहीं जले। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि गैस एजेंसी पर आकर बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट या फेस के माध्यम से अपना ई केवाईसी का सत्यापन करवावें और अपने मोबाइल नंबर अगर गलत है तो उसको भी नए नंबर पर अपडेट करावें, ताकि जो गैस एजेंसी पर बुकिंग के नंबर जो बदल गए हैं वो अब नए नंबर हैं 77 10 95 55 55। मिस्ड कॉल बुकिंग पर आप बुक कराकर अपने रसोई गैस घर पर प्राप्त कर सकते हैं। महाकाल जूस एंड कचोरी सेंटर, हमारे यहाँ पाइनएप्पल जूस, मौसमी जूस, मिक्स जूस, कीवी जूस, चुकंदर जूस, एप्पल जूस, अनार जूस, एप्पल शेक, अनार मिल्क शेक, ब्लड बैंक चुकंदर शेक, मैंगो शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक, बनाना शेक, पपीता शेक, चीकू शेक, मौसमी शेक, हमारे यहाँ सभी प्रकार के शाही शेक और ड्राई फ्रूट शेक भी उपलब्ध है। हमारा पता है श्री महाकाल जूस एंड कचोरी सेंटर, पचपाड़ रोड, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर दीपक कुमार जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420791। वहीं मोबाइल नंबर मनोज कुमार जैन का 9829485166। मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी, बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों का मुंह तोड़ जवाब, 130 रुपए प्रतिदिन किस्त पर अपना निजी वाहन पाइए, सबसे ज्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, लिथियम और ग्राफीन बैटरी के साथ गाड़ियां उपलब्ध, साथ में सभी गाड़ियों की गारंटी, नो पेट्रोल, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन, नो लाइसेंस, कम खर्च में लंबी सवारी। हमारा पता कालेश्वर मंदिर के सामने, टगर चौराया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर मंसूरी मोटर्स। हमारा फोन नंबर है 8107700989। और हाँ, एक विशेष सूचना, बजाज फाइनेंस जीरो पर, तो देर ना कीजिए, अगर आपको बैटरी की गाड़ियों की जरूरत है तो आप चले आइए कालेश्वर मंदिर के सामने मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। एडमिशन ओपन मदर्स लिप अ प्ले स्कूल द फ्यूचर बिगिन हियर प्री नर्सरी टू यूकेजी। बेनिफिट्स ऑफ आर क्लासेस, स्मॉल क्लासेस साइज, लविंग एंड केयरिंग एनवायरमेंट्स, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स, डेडिकेटेड टीचर्स एंड स्टाफ, स्कूल व्हीकल फैसिलिटी। एड्रेस भावना कुंज नियर हनुमान जी मंदिर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422, 9887267439। नोट, 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। एडमिशन ओपन आरबीएससी अफिलियेशन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम नर्सरी टू 12th संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर।
बस फैसिलिटी, इक्विप्ड लेबोरेटरी एंड परफेक्ट कंप्यूटर लैब। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी भवानी मंडी जिला झालावाड़ राजस्थान। फोन नंबर 8769602008 9784883535। सरस्वती बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल, RBSE एप्लीकेशन, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी स्किल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सरस्वती बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिनका पता है केतड़ी बाजार सिंधी मोहल्ला भवानी मंडी। डायरेक्टर श्याम चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर 8769453609।